हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो? आई होप आप ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आपको पता ही है मेरे साथ जो हुआ है कि मेरा भतीजा था जो वो एक्सपायर हो गया। कहीं खुशी का माहौल था, वहाँ गमी का माहौल बन गया। आप बोलते हो चैनल पे तेरी मम्मी आ नहीं रही, काम नहीं, वीडियो नहीं आ रही उनकी। तो मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा भी मूड नहीं है, आपको पता है, वीडियो बनाने का। तो अच्छा नहीं लगता ऐसे वीडियो बनाऊँ, अंदर से दिल ही नहीं मानता। क्या करूँ कि दो भाई थे, दो भाइयों के दो बेटे थे, जिसमें से एक बेटा ख़त्म हो गया, छोटे भाई का। छोटा भाई भी नहीं था और भतीजा भी ख़त्म हो गया। इस वजह से इतना दुखी का माहौल बन गया। दुख हो रहा है कि कोई वीडियो का उठने का ही मन नहीं करता, कि उठा ही नहीं जाता भी। पहले छोटा भाई चला गया था छोड़ के, छोटे भाई की जो औलाद थी, जो बड़ा हुआ, बरिन को बड़ा हुआ था, उसकी शादी हुई थी अभी थोड़ा टाइम ही हुआ, कि वो ही ये दुनिया छोड़ के चला गया है ना। ऐसा गमी का माहौल तो किसी के साथ ना हो जैसा हमारे साथ हुआ है। जवान बेटा चला गया जिसका, उसके घर का क्या होएगा? इस वजह से मैं चैनल पे काम करने का मेरा मन नहीं कर रहा था, चैनल पे वीडियो बनाने का। मैंने कंचन को बोल रखा था भी तू चैनल को तू देख लेना। अभी तो उसका जो क्रियाक्रम, जो वो था, भोग था, अभी तो वो भी नहीं पड़ा। मैं आई थी, नन्नू की रोटी का थोड़ा मुश्किल था, घर भी का भी मुश्किल हो जाता है, घर छोड़ना, इतने दिन नहीं छोड़ा जाता। तो मैं इस वजह से आ गई थी उसके फूल चुगवा के, तो इस वजह से मेरी वीडियो नहीं आ रही। बड़ा भाई था जो, वो भी एक्सपायर हो गया था, छोटा पहले हो गया था, बड़ा बाद में हो गया था। रिंकू था जो छोटे भाई का था, एक ही बेटा था, अभी उसकी शादी हुई तो कुछ ही टाइम हुआ था भी। इतना गमी का माहौल बन गया कि सहन नहीं होता। मेरी माँ तो देखी नहीं जाती जब रोती है। पहले उसके बेटे चले गए, फिर जवाई चला गया, अब पोता चला गया, तो उस माँ का भी, दादी का भी क्या जीना, जितने जिसने इतना कुछ देख लिया। तो मैंने कंचन को बोला था, अभी कंचन मेरे चैनल पे तो काम कर ले, मेरे से अभी वीडियो नहीं बनती। आके घर का काम तो चलो करना ही पड़ता है, थोड़ा बहुत कर लेती हूँ, फिर भी मार पड़ जाती हूँ, कर लेती हूँ फिर भी मार पड़ जाती हूँ। अभी कल दवाई लेके आई थी, दवाई चलती है अभी मेरी, तो जहाँ दवाई कम होनी थी वहाँ दवाई ज़्यादा शुरू हो गई है। रोते रोते जो नाक का गले का ना थोड़ी सी खिंच पड़ गई थी, सूजन हो गई थी, तो मैं ज़्यादा बोलती भी नहीं ऊँचा, तो दवाई ज़्यादा शुरू कर दी डॉक्टर ने। तो मैं यही बोलती हूँ, अब कंचन काम करेगी, आप फुल सपोर्ट करना उसकी। मेरे चैनल पे वही वीडियो डालेगी जब तक भोग नहीं पड़ेगा, उसके बाद देखती हूँ क्या करना है। काम के बगैर भी गुजारा नहीं है। देखो आपको पता था मेरा चैनल पे ही यूट्यूब पे से गुजारा होता था ना, होता है। करूँगी काम, थोड़ा सा टाइम दो मेरे को, भोग पड़ जाएगा उसके बाद आऊँगी तो वीडियो शुरू करूँगी, क्योंकि हिम्मत ही नहीं पड़ती वीडियो बनाने की कि क्या वीडियो बनाऊँ, क्या काम करूँ। इतना ज़्यादा बुरा हाल हो गया कि इतना ज़्यादा बुरा हाल हो गया, कुछ बता नहीं सकते। इतना बड़ा बेटा चला गया कि भूल भी नहीं पाते, भी उसको भूल जाएंगे, कभी नहीं भूल पाते उसको। भाइयों को नहीं भूला था, तो उसका तो बेटा है, भाई जवानी में चले गए थे, उनको ही नहीं भूल पा रही थी। कोई तो हर बार आता था तो रोती थी। अब इतना बड़ा भतीजा चला गया, बेचारे ने कुछ देखा नहीं, कुछ करा नहीं, वो चला गया। कहाँ, मैं उनके मुहूर्त पे गई थी, आपने मेरी कीर्तन की वीडियो देखी होगी, कीर्तन था तो कीर्तन के दूसरे दिन ही वो ऐसा हादसा हो गया था, एक्सीडेंट का, कि वो कभी नहीं भूलेगा। हमारा भतीजा एक ही एक था, जिसके एक बेटा हुए, वो क्या करेंगे, कैसे सहन करेंगे। मैं वीडियो बनानी थी, मेरे बनानी नहीं थी, क्योंकि मैं बताना चाहती थी कि मैं अभी नहीं काम कर सकती, मेरा दिमाग काम नहीं करता चैनल पे काम करने के लिए। मेरे डॉलर भी कंप्लीट नहीं हुए, इस महीने की सैलरी भी कंप्लीट नहीं हुई। आपको पता मेरा घर कैसे चलेगा, कैसे मैं चलाती हूँ।
चलो मैं वीडियो को एंड करती हूँ। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना, आपको आपको पता मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट की, आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ओके बाय। तो गाइज़ बड़ी मुश्किल से मैंने मम्मी को बोला कि थोड़ा सा आप इन्फॉर्म कर दो अपनी तरफ से। मम्मी कहते मेरे से नहीं वीडियो बनता, मेरे से नहीं हो रहा कुछ भी। मैं कहा तो कहाँ से खाओगे, मुझे ये बताओ कहाँ से खाओगे, कहाँ से गुजारा करोगे घर का, है ना। अब तो मेरी भी नहीं है इतनी इनकम कि मैं आपको हेल्प कर पाऊँ। मैं कहा तो आपको खुद को ही कमाना पड़ेगा, खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। मैं तो ये है कि हाँ चलो मैं एक आधा वीडियो कभी कभी कुछ भी लाइव या वीडियो एक चीज़ ही कर सकती हूँ। लाइव भी मैं आपके चैनल कर रही हूँ, वीडियो भी मैं आपके चैनल पे पा रही हूँ। तो मैं क्या मेरे भी चैनल का नुकसान हो रहा है। मैं ऐसे चैनल पे काम करना मैं अपने नहीं छोड़ सकती हूँ। आप भी समझदार हो कि मैं कैसे चैनल पे काम करना, है ना। एकदम से छोड़ूंगी तो मेरा भी तो चैनल डाउन जाएगा, मेरी भी वीडियो नहीं जाती है। हाँ आप एक आधा दिन एक दिन ना डालो तो चल जाता है, लेकिन आप बिल्कुल ही बंद कर दो तीन तीन चार चार दिन के लिए तो चैनल ऑब्वियसली डाउन जाएगा जाएगा, है ना। इसीलिए मैंने मम्मी के चैनल पर वीडियोज डाले थे। बट अब मुझे भी अपना थोड़ा चैनल देखना है, मुझे भी सैलरी बनानी है, मुझे भी इनकम करनी है, मैंने भी इतनी किस्तें देनी होती है। तो मैंने कहा मम्मी आप खुद थोड़ा सा तो काम करो, कुछ भी बनाओ, ऐसे नहीं गुजारा होगा। तो मैंने कहा लोग भी समझेंगे, लोग आपको कुछ नहीं कहते कि आप क्यों वीडियो बना रहे हो, क्योंकि वो आपका काम है। अगर आप बाहर कहीं काम करोगे तब भी तो आप काम करते ना, कहीं बाहर काम करने जाते लगे होते तो तब भी तो आप करते ना। तो अभी आप घर पे बैठ के आपको तो बाहर भी नहीं जाने की ज़रूरत। मैंने कहा घर में बैठ के तो काम करना है तो आप करो। बड़ी मुश्किल से फिर मैंने मम्मी को थोड़ा एग्री किया। तो अभी भी देखो बनाएंगे कि नहीं, अब ये उनके ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पे खड़ी मैं बस यही सोचे जा रही थी चाय पीते पीते कि देखो कहाँ पे हंसता खेलता मेरा भाई एकदम से हमारे बीच से चला गया। कैसे ज़िंदगी है, कभी भी कुछ भी हो सकता है किसी को। मैं तो हर चीज़ के लिए अब वो हो गई, मुझे पता है यार भाई यहाँ कुछ भी हो सकता है। अब जितना मर्जी कुछ करते रहे, लड़ते झगड़ते रहे हम, अब तो मैं किसी से लड़ाई भी नहीं करती हूँ। मेरे घर में भी अगर मुझे कुछ कोई कुछ कह दे तो अब मैं चुपचाप सुन लेती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यार अगर इनको किसी को भी कुछ हो गया या मुझे कुछ हो गया तो सब कुछ लड़ाई झगड़ा यहीं पर रह जाएगा। मैं नहीं चाहती किसी को भी कुछ हो, है ना। लेकिन भगवान की मर्जी के आगे तो किसी का भी जोर नहीं चलता। तो जहाँ हम सारे, है ना, भाई बहन इकट्ठे खेला करते थे, आज हमारे बीच में से हमारा एक भाई चला गया। सारी चीज़ें याद आती हैं, कैसे हम हंसते खेलते थे, सब चीज़ें याद आती हैं। पर मम्मी को बहुत समझाती हूँ दिन रात, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं भी ऐसे ही बैठ जाऊँगी रोने के लिए तो फिर बाकियों को कौन संभालेगा। तो मम्मी को बड़ा मैंने समझाया, आज देखो अब मम्मी समझती हैं या नहीं समझती हैं। मैंने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है मम्मी को समझाने की, फिर अब ये उन पर डिपेंड करता है कि उनको अपने आप स्ट्रॉन्ग बनना ही पड़ेगा। ऐसे गुजारा नहीं है, आगे का भी सोचना पड़ेगा, जो पूरा परिवार है कैसे चलाना है, कैसे उनको खाना पीना देना है। तो अभी मैं अपने घर आई थी, देखिए अपने घर आके मैं यहाँ पे काम वाम करने लगी हुई थी। आते पहले मैंने बेड वगैरह सेट किया, बेड वेड सेट करने के बाद मैंने अलमारी के कपड़े सेट किए, क्योंकि घर भी देखना होता है ना, कि घर पे भी काम वाम जरूरी है, अपने घर पे भी देखना होता है मुझे। तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने बहुत सारी जिम्मेवारियों ऊपर डाल दी है मेरे। यार पता नहीं मैं कैसे सब चीज़ें अरेंज करूँगी, कैसे एडजस्ट करूँगी, कैसे सारा परिवार कैसे समझाऊँगी संभालूंगी। इतनी सी उम्र में भगवान ने पता नहीं इतना कैसे इंटेलिजेंट बना दिया, इतना कैसे, मतलब इंटेलिजेंट नहीं क्या कहते हैं उसको, रिस्पॉन्सिबल बना दिया भगवान ने। पता नहीं इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे मेरे ऊपर डाल दी। सबको समझाती हूँ लेकिन मैं जब मैं खुद टूट जाती हूँ कई बार, है ना, तो फिर मेरे को समझाने वाला कोई नहीं होता। फिर मैं YouTube पे रोती हूँ, YouTube वाले ही बस मुझे समझाते हैं। तो कभी कभी ऐसा लगता है YouTube नहीं होता तो पता नहीं मेरा क्या होता। तो आपको आवाज़ें बीच में आ रही होगी, अलमारी की आवाज़ें हैं। मैंने इस वीडियो की 3 बार वॉइस रिकॉर्डिंग की है, 3 बार। क्यों? क्योंकि बार बार जो है वीडियो में रिकॉर्डिंग ख़राब हो जा रही थी, कट के लग रही थी। तो फिर मैं डिलीट करती हूँ, फिर करती, इसलिए अभी मुझे तो सांस ही चढ़ गया इतनी बार 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 रिकॉर्डिंग लगाने पे, सांस ही फूलने लगी मेरी। तो चलिए बस मैं यही आप सबसे बात करना चाहती थी। अभी मैं सब्जी वगैरह कट कर रही हूँ, ऐसे अकेले मेरा भी घर में टाइम पास नहीं होता। मेरे तो घर में मुझे सारा सामान ऐसे हो रहा है कि सारे सामान की सेटिंग करने वाली है, सब पुथल पुथल हो रहा है, सब कुछ सही करने वाला हो रहा है। तो वॉइस रिकॉर्डिंग करते करते काम भी करे जा रही हूँ साथ साथ में,
कि काम भी होता रहे, है ना, काम का भी जरूरी है करना, तो इस काम भी साथ साथ ही लगी हुई हूँ करने के लिए। वॉइस रिकॉर्डिंग भी, ये भी काम ही है। तो अपना व्लॉग तो पता नहीं आज बना पाऊंगी या नहीं, लेकिन मैं यही कोशिश करूंगी कि चलो मम्मी का वीडियोस चल जाए। एक ही दिन है अब तो, आज का ही दिन है, आज के दिन में तो जितने ज़्यादा व्यूज़ आ जाएंगे उतना ही फ़ायदा है। बट ऐसा तो एकदम से तो अब डॉलर एक ही दिन में पूरे होने से रहे, है ना। अगर 4-5 दिन पहले मुझे मम्मी बोल देते भी तू वीडियो तू ही बनाई चलो, जब रामपुरे गए थे तभी बोल देते, मैं तभी अब खुद काम कर लेती इस चैनल पे। तो चलिए गाइस, इस व्लॉग को मैं करती हूँ एंड। अभी बहुत सारा काम पड़ा है करने के लिए, तो मैंने सोचा चलो इस व्लॉग को मैं एंड कर देती हूँ। काम ही कर रही हूँ, काम करते करते मुझे सांस चढ़ने लग गए, सांस फूलने लगी मेरी तो, क्योंकि अभी सोच रही हूँ कि थोड़ा डीप क्लीनिंग सी कर दूँ, एक्स्ट्रा पंखे वंखे साफ़ करने वाले वो भी कर दूँ। तो मम्मी को बोला है आप लोग भी प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट करना कि चाहे थोड़ी थोड़ी 5-5 6-6 मिनट की वीडियो डाल ले, 4-5 मिनट की, लेकिन प्लीज़ वीडियो डालें। तो चलिए वीडियो को एंड करती हूँ, बाय।